तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य के मुद्दे को लेकर अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आपको बता दें कि जीएसटी को लेकर भी पूरे देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है। उसी प्रकार आपको बता दें मध्य प्रदेश के सागर जिले की ओर रुक करते हैं, जहां कांग्रेस के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान सामने आया था, भारत जोड़ो आंदोलन, जिसके दौरान जीएसटी को लेकर कई प्रकार की मांगे भी रखी जाएगी, साथ ही उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व जरूरी चीजों पर जीएसटी के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी विरोध। आपको बता दें कि प्रदर्शन 9 से 15 अगस्त तक किया जाएगा, शहर भर में निकले जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। इसी के अंतर्गत दोपहर 2 बजे से 3 बजे मरिया से वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा, जहाँ पे 9 से 15 अगस्त तक शहर के अलग अलग हिस्सों में भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली जाएगी। संबंध में बैठक रखी गई थी कांग्रेस कार्यालय में, और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस तरीके से पूरे भारत में महंगाई इतनी ज्यादा अनलिमिटेड बढ़ चुकी है कि इस देश की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, चाहे खाद्य वस्तुओं की बात हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की बात हो, और चाहे महंगाई से हटकर बेरोजगारी की बात हो या अग्निवीर जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इस देश की जनता के शोषण में लगातार लगी हुई है। और हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले 5 तारीख को देशव्यापी आंदोलन पूरे ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जाएगा। उसी की तैयारियों को लेकर आज जिला कांग्रेस ने इस बैठक को आयोजित किया है। आने वाले 5 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के मुद्दों को उठाने का हम काम करेंगे। ये कहाँ पर निश्चित की गई है जगह जहाँ पर आप ये आंदोलन करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने बैठक करी है, स्थान और समय हम लोग तय कर रहे हैं, एक आध दिन में आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों जानकारी हो जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में अपनी कांग्रेस की संख्या कम आई है, तो इस बार जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये महत्वपूर्ण बात कि चुनाव जीत कर आएंगे तभी हम जनता की बात उठाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस की परिपाटी रहेगी,